आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सुगबुगाहट तेज हो गई है यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर, और जहां ओम प्रकाश राजभर जो गठबंधन में है, जासरुद्दीन अवैसी साहब खुद ही ट्विटर पे ये बात कह दिए हैं दुनिया के सामने कि हम इनसे गठबंधन किए हुए हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में ओम प्रकाश राजभर के साथ आपकी पार्टी क्या कर पाएगी यूपी चुनाव में? देखिए, हमारी पार्टी ने अनाउंस किया है कि हम 100 सीट पे लड़ेंगे, और राजभर साहब का बयान आया है कि हम 125 सीट देंगे MIM को। और MIM ने यूपी में पिछले चुनाव में भी बहुत अच्छा योगदान किया था और अच्छे तरीके से ये चुनाव लड़ी थी, लेकिन सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन हम लोग सीट नहीं निकाल पाए क्योंकि हम लोगों ने पहला वहाँ पे स्टार्टिंग किया था, और स्टार्टिंग बिहार में भी हम लोगों ने फर्स्ट टाइम एक भी सीट नहीं निकाल पाए थे, लेकिन आज हम 5 सीट ले आए हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में भी बहुत अच्छा हिस्सेदारी हासिल करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मुस्लिम और दलित भाइयों को आज़ादी के बाद से आज तक हम लोगों को हर तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया है, और राजभर जी हमारे साथ आए हैं। हम लोग का एक मुस्लिम और दलित और बैकवर्ड का एक जोड़ बनेगा, गठबंधन बनेगा, ये मजबूत गठबंधन पूरे भारत में एक मिसाल देगा, ताकि हम लोग आने वाले समय में हम लोग अपने आवाज़ को यूपी से लेकर के भारत के पार्लियामेंट तक हम लोग इसको गुजार सके, यही हमारी सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए। मगर दिखने वाली दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसका और कांग्रेस का ये सीधा इल्ज़ाम है कि AIMM जो है सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। देखिए, बीजेपी की आज नाकामी का ये सबसे बड़ा मिसाल है, जो आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी अगर आज कामयाब होती, अगर लड़ने में कामयाब होती, तो नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए, दूसरी बार भी नहीं आ पाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो 5 साल के कार्यकाल रहे वो इतना ही खराब कार्यकाल रहा, जिसको कि हम लोग माने गिनती नहीं कर सकते हैं। नोटबंदी से लेकर के GST से लेकर, आप इतने चीज़ को आप गिनती कीजिए, जो आप मोदी जी ने किसी भी मामले में विकास तो नहीं किया है, बल्कि भारत का विनाशी किया है आज तक। लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस की भूमिका जो विपक्ष की रहनी चाहिए, वो विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाने में बिल्कुल असफल रही। आज बंगाल में ये देख लीजिए, बंगाल चुनाव हुआ, ममता बनर्जी, अगर कांग्रेस को वहाँ के लोग, अगर मुसलमान लोग या बैकवर्ड लोग या हिंदू जो भी हमारे साथी हैं, वो अगर कांग्रेस को या CPM को अगर वोट देते, तो क्या ममता बनर्जी कामयाब होती? तो अगर सही माने में कहा जाए, तो आज के डेट में हमारे जो भारत की स्थिति है, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा वोट कटवा हो गया है। कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, कांग्रेस को अपने अंदर कमी तलाशने की जरूरत है। लेकिन ये इल्ज़ाम सर, लेकिन ये इल्ज़ाम समाजवादी पार्टी का भी है, उसका कहना सीधा से ये है कि 100 सीट पर लड़ने की बात हो रही है, लेकिन संगठन AIMM के पास कोई संगठन ही नहीं। देखिए, आजम खान का मुद्दा आप ले लीजिए, अगर समाजवादी पार्टी अगर बहुत ही ईमानदार होती, तो आज यूपी में सबसे बड़ा चेहरा माइनॉरिटी का जो समाजवादी पार्टी के पास है, वो आजम खान है। और आजम खान को जिस तरह से फंसाया गया, अखिलेश कहाँ पे नजर आए उनके खिलाफ में, उनके फेवर में कहीं पे आंदोलन करते हुए, आप बताइए हमें। आज एक भारत का मुसलमान क्यों समाजवादी पार्टी और अखिलेश प्रसाद सिंह के यादव के साथ में जाएगा, क्यों जाएगा, हमको ये बताइए। आज उत्तर प्रदेश में आजम खान के साथ जिस तरह से किया गया, उसी तरह से बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई, बहुत सारे मुसलमान और दलितों की हत्याएं हुई, बहुत सारे मुसलमान और हिंदुओं को मारा गया, तो आप जिस तरह से हर तरह से फेलियर हो गए। आज एक अखिलेश प्रसाद यादव कहाँ नजर आए हमको बताइए आप। तो इस तरह से हम यूपी की जनता भी जग चुकी है, और यूपी की जनता इस बार एक मत होकर के MIM और राजभर साहब के हाथों को मजबूती इसको करेंगे। लेकिन राजभर साहब ने जिस तरह से ये कहा है, तो मैं पार्टी से अलग हटके भी मैं उनके इस बात का सम्मान करना चाहता हूँ कि आखिर हर जात हर कम्युनिटी को एक बार मौका मिलना चाहिए, चाहे साल भर हो, 6 महीना हो, एक बार मौका मिलना चाहिए। आज आज़ादी के बाद भारत में 17 से, ऐसे तो आपको इलेक्शन कमीशनर कहती है कि 17-18% माइनॉरिटी की आबादी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम 22-24% है, लेकिन हम कहीं ना कहीं पिछड़े दलित हैं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ पाता है, हम कहीं किसी तरह से हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमारे पास जमीन नहीं है, हम वो कबीलाई रूप में हम रहने को मजबूर हैं, हमारे पास जमीन जगह नहीं रहने के कारण हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ पाता है, इसलिए हम आज 17-18% में सिमटे हुए हैं। तो हमारा ये अधिकार होना चाहिए कि भारत की आज़ादी के बाद जितनी भी सेकुलर पार्टियाँ हैं,
मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 2% सिख समुदाय को आप 10-10 साल प्राइम मिनिस्टर बना सकते थे, तो क्या 1-2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकती थी? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, अब अगर आप 1 साल के लिए भी अगर माइनॉरिटी को, मुसलमान को अगर बना देते आप प्राइम मिनिस्टर, तो आज मैं कांग्रेस के साथ रहता, आज मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ा लाचारी में। मैं यही सब देख करके कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो आज़ादी के बाद से आज तक मुस्लिम विरोधी है, और बाबरी मस्जिद तोड़ने से लेकर के बनाने तक सबसे बड़ी अगर भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भूमिका अगर है तो वह है कांग्रेस की। आखिरी सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से यूपी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, और खास के ये इल्जाम है कि ध्रुवीकरण, बीजेपी अलग ध्रुवीकरण करती है और उसके साथ ही MIM भी ध्रुवीकरण करेगी, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो सेकुलर पार्टी है होगी। देखिए, हमारा हम तो कहीं ध्रुवीकरण नहीं करते हैं, और ध्रुवीकरण अगर करना भी चाहते तो हम अभी बंगाल चुनाव में कर देते। अगर हम 50 सीट लड़ जाते तो क्या ममता बनर्जी आती? हम लोगों ने देखा कि हमारा वाल लड़ने से ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है, तो हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ाया। लेकिन बिहार में आप बता दीजिए कि हमने जितने भी सीट पे लड़ा था, क्या एक भी सीट पे भाजपा जीती है? एक भी सीट पे भाजपा नहीं जीती। आप बताइए कि कांग्रेस को RJD गठबंधन ने कितना सीट दिया टोटल? आज वो सीट पे जितना लाना चाहिए था उससे और पिछड़ गई, उन्होंने जबरदस्ती सीट ज्यादा ले लिया। आज अगर कांग्रेस बिहार में अगर 10 सीट भी अगर ज्यादा ले आती तो क्या भाजपा और नीतीश कुमार की सरकार आ पाती? तो कहीं ना कहीं मैं दोषी कांग्रेस को बिहार में भी मानता हूँ कि कांग्रेस ही हमेशा से इस देश को और भाजपा को आगे लाने में सबसे बड़ा अगर पार्टी अगर इसमें भूमिका है तो वो कांग्रेस की है।